बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के जीवन में ऐसे कई रोमांचक किस्से हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन एक किस्सा जो हमेशा सुर्खियों में रहा वह उनकी दुबई में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से हुई मुलाकात है। इस किस्से के पीछे की कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही रहस्यमय भी। 1988 का साल और दुबई का सफर। साल 1988 का वाकया है जब ऋषि कपूर एक म्यूजिकल शो के सिलसिले में दुबई पहुंचे थे। उनके साथ इस शो में आशा भोसले और आरडी बर्मन जैसे दिग्गज भी शामिल थे। दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ऋषि कपूर को किसी अनजान व्यक्ति ने एक फोन थमाया और कहा, भाई बात करेंगे। ऋषि को लगा कि शायद कोई फैन उनसे बात करना चाहता है, लेकिन जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ था कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, दाऊद ने फोन पर सीधे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ऋषि कपूर इस बात से थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने सहजता से जवाब दिया, होटल पहुंचकर बताता हूँ। उन्होंने बताया कि दाऊद से मिलने की कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन एक कलाकार के तौर पर वे हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का अवसर देखते थे। दाऊद के साथ रोमांचक सफर। जब दाऊद ने ऋषि कपूर को अपने घर पर बुलाने की बात कही तो उन्होंने अपने लिए एक रोल्स रॉयस गाड़ी भेजी। लेकिन ये सफर किसी सीधे रास्ते पर नहीं था। वो गाड़ी ऋषि कपूर को लेकर दुबई की सड़कों पर काफी देर तक घूमती रही ताकि उन्हें यह अंदाजा न हो सके कि आखिरकार वो जा कहां रहे हैं। ड्राइवर ने तब तक नहीं बताया कि वो कहां पहुंचने वाले हैं, जब तक कि उन्हें सही जगह पर न पहुंचा दिया गया। दाऊद का फिल्मी प्यार और दिलचस्प मुलाकात। दाऊद ने ऋषि कपूर के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। असल में वो ऋषि कपूर की फिल्म तवायफ के उनके किरदार दाऊद से बहुत प्रभावित हुआ था। फिल्म में ऋषि कपूर का किरदार एक तवायफ को उसकी पुरानी जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इस नाम के कारण भी दाऊद ने ऋषि कपूर से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। यह मुलाकात करीब 4 घंटे तक चली, जहां दोनों के बीच दिलचस्प बातचीत हुई। ऋषि कपूर ने दाऊद को सलाह दी कि वो खुद को भारतीय एजेंसियों के हवाले कर दे। इस पर दाऊद ने जवाब दिया कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए कहा कि उसने उन लोगों को सजा दी है जिन्होंने अल्लाह का अपमान किया था। डी डे में निभाया दाऊद का किरदार। कई सालों बाद ऋषि कपूर ने फिल्म डी डे में दाऊद इब्राहिम का किरदार निभाया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात उनके लिए उस किरदार को समझने में बेहद मददगार साबित हुई। दाऊद के हाव भाव और बातचीत की शैली ने उन्हें किरदार को वास्तविकता के करीब लाने में काफी सहयोग दिया। ऋषि कपूर का जाना और एक यादगार किस्सा। 2020 में 67 वर्ष की उम्र में ऋषि कपूर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लेकिन उनकी यह मुलाकात, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये किस्सा ऋषि कपूर की जिंदगी का एक ऐसा रोमांचक हिस्सा है जिसने उन्हें एक अलग पहचान दी।